नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 29 अक्टूबर 2024 को अखिल भारतीय परिवार पार्टी के दो उम्मीदवारों ने जिलाधिकारी कार्यालय में भरा नामांकन व हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज के माध्यम से अखिल भारतीय परिवार पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष आनंद शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को मैं दिवाली के ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। इसी के अंतर्गत यह हमारे विधानसभा इलेक्शन के अंतर्गत हमारे अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से मैं आनंद शर्मा भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और एवं हमारे साथ में नागपुर दक्षिण पश्चिम से अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हमारे उषा मारुतिराव ढोक जी, साथ में हमारे नागपुर मध्य नागपुर से सेंट्रल नागपुर से शिव कटारे भारती जी, इन दोनों का भी उम्मीदवार आज नामांकन हो चुका है। अनकारणवश विशेष तरीके से समय कम होने की वजह से कुछ और कागजात के कमी होने की वजह से आज के दिन बाकी जगह के उम्मीदवार लोगों का हम लोग नहीं दाखिल कर पाए और अभी यह विशेष रूप से माना जाने वाले नागपुर दक्षिण पश्चिम से एवं नागपुर मध्य नागपुर से हमारे उम्मीदवार को हम लोग उतर रहे। बहुत जल्द जैसे यह आचार संहिता का संपूर्ण होता है, जैसे प्रचार शुरुआत होता है, उसमें हम लोग घर घर पहुँचेंगे। हमारे उद्देश्यों को लेके, मैनिफेस्टो को लेके हम लोग हर जगह पहुँचेंगे। इसी के अंतर्गत मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, हमारे नागपुर दक्षिण पश्चिम से यह ठेला चलाने वाले ग्रास रूट के लीडर हमारे उषा नांदेड़करताई को एवं द बेस्ट लीडर के रूप में, ग्रास रूट लेवल लीडर के रूप में नागपुर मध्य नागपुर से शिव कटारे जी को आप सभी लोग मदद देंगे, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। आप सभी लोगों का सहयोग इनको रहेगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। साथ में आप सभी लोगों को दिवाली के ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।